वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। इसके पश्चात बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। इसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भौनिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती है।